हम बात कर रहे हैं NBCC की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको 1% के ऊपर की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। जब स्टॉक रिकवरी दिखा रहा था, आपको याद होगा हमने 180 तक के टारगेट को डिस्कस किए थे। 174 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, गिरावट आई, एक जंप आया, अगेन गिरावट और लो ब्रेक डाउन हुआ, अगेन जंप, जंप के साथ गिरावट और अपने रिसेंट लो को ब्रेक डाउन करता नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक्त स्टॉक गिरावट के साथ अपने तगड़े सपोर्ट के आसपास है। हम देख सकते हैं जहां से स्टॉक ने दो बार सपोर्ट लिया हुआ है, 154 का लेवल इसका मेजर सपोर्ट रहेगा। यहां से खेल पलट सकता है, NBCC अगेन रिकवरी दिखाता नज़र आ सकता है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक डाउन कर जाता है 154 के लेवल को भी, तो वैसे कंडीशन में 148 से लेकर 150 तक का भी फॉल स्टॉक दिखा सकता है। फिर यहाँ तक की भी गिरावट हमको स्टॉक में देखने के लिए मिल सकती है। अगर स्टॉक में रिकवरी आती है 154 के लेवल से, बाउंस बैक होता है या इसी के आसपास से बाउंस बैक होता है, तो वैसे कंडीशन में जहाँ स्टॉक ने इससे पहले रिजेक्शन फेस किया हुआ था, 160 का लेवल अपना इमीडिएट टारगेट रहेगा और इसका मेजर रेजिस्टेंस भी रहेगा। लगातार तेज़ी के लिए अगर 160 का लेवल स्टॉक ब्रेकआउट कर जाता है, तो वैसे कंडीशन में यहाँ लगातार तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। NBCC फिर लगातार तेज़ी दिखा सकता है। फिर अगला टारगेट बनेगा 164, इसको ब्रेकआउट करके 170 और इस बाउंस बैक के साथ स्टॉक अपने इस रिसेंट हाई को यानी 174 के लेवल को ब्रेकआउट करके 180 तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन हम कह रहे हैं, इससे पहले भी कहा था, दोबारा कह रहे हैं कि 180 का लेवल इसका मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है, इसके आसपास थोड़ा सा फ्रेश बाइंग को अवॉइड करके चलना ठीक रहेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।